शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म डंकी सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है और आज का दिन शाहरुख के फैंस के लिए सेलिब्रेशन डे से कम नहीं है। डंकी के फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए फैंस दीवाने नजर आ रहे थे और अब जब डंकी रिलीज हो चुकी है तो इस फिल्म की बात हर तरफ हो रही है। राजकुमार हिरानी की इस फिल्म को बहुत अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं और शाहरुख के फैंस का मानना है कि ये फिल्म भी सुपरहिट रहेगी। ये साल वैसे भी किंग खान के नाम ही रहा है। डंकी इस साल में यानी 2023 में उनकी तीसरी रिलीज है। पठान और जवान ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की, अब डंकी की बारी है और सबसे ज्यादा चर्चा हो रहा है फिल्म के फर्स्ट हाफ का। लोग फिल्म के फर्स्ट हाफ को बहुत हिलेरियस बता रहे हैं, फनी बता रहे हैं, साथ ही साथ इमोशंस का भी तड़का है फर्स्ट हाफ में। तापसी पन्नू, अनिल ग्रोवर, विक्रम कोचर और बमन ईरानी फुल फॉर्म में है। डंकी में शाहरुख खान की परफॉर्मेंस भी सॉलिड है, हालांकि उनके बोलने का लहजा थोड़ा सा अटपटा लगता है। डंकी का फर्स्ट हाफ बहुत इमोशनल नोट पर खत्म होता है और यहाँ से कहानी का डेवलपमेंट और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। फर्स्ट हाफ में विक्की कौशल के कैरेक्टर की बात जरूर होनी चाहिए, जो कि फर्स्ट हाफ की जान है। विक्की कौशल ने बहुत शिद्दत से डंकी में अपने कैरेक्टर को निभाया है और साफ दिखता है कि विक्की कौशल ने इस कैरेक्टर के लिए कितनी मेहनत की होगी। बात अगर सेकंड हाफ की करें तो सेकंड हाफ की कहानी टाइम लैप्स के साथ शुरू होती है और सारे कैरेक्टर्स के बालों में सफेदी आ गई है, फिर कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। वैसे डंकी की कहानी का सारा वजनदार हिस्सा सेकंड हाफ में ही है। यहाँ से फिल्म एक इमोशनल जर्नी बन जाती है और बहुत से लोगों ने कहा है कि राजकुमार हिरानी ने डंकी में एक नया एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें वो सक्सेसफुल भी रहे हैं, क्योंकि डंकी से पहले उनकी जितनी भी फिल्में आई हैं उनमें सेकंड हाफ में इमोशनल मोमेंट्स भी होते हैं, कॉमेडी भी होती है, लेकिन डंकी यहाँ से थोड़ा सा उदास करती है। सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया पर डंकी की क्लिप्स भी वायरल होने लगी हैं और जब शाहरुख खान की एंट्री होती है तो लोग क्रेजी हो जाते हैं।